यीशु मसीह आपको आशीष करे। नया साल मुबारक। इस नए साल में परमेश्वर आपको सारे आशीर्वाद दे। हम अभी एक वचन देखेंगे, कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अच्छे समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय को आशीर्वाद आप देव, वचन समझने के लिए कृपा कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य में इस साल में आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:8 ऐसे कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इधर परमेश्वर कहते हैं एक द्वार खोल के रखा है। द्वार परमेश्वर आपके लिए इस प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार, तेरे कामों को जानता हूं, आपके काम को परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो ये उनके लिए वचन है। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अभी द्वार बंद रखा तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इधर द्वार खोल कर रखा है तो उसके लिए फायदा है। जा सकते हैं, आ सकते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद आएंगे, क्योंकि पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, जो रास्ता बंद है, द्वार बंद है, उसमें कोई नहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो खुला है उसमें आपके काम धंधे में रुकावट नहीं आएगा, धंधे में रुकावट नहीं आएगा। बच्चे को पढ़ाई में तो इधर परमेश्वर लिखा है, खोला हुआ रास्ता, यानी खोला हुआ द्वार, खोला हुआ दरवाजा, खुले रास्ता, यानी बंद नहीं, यानी कोई बंद नहीं कर सकते हैं, सब खुला, खुले आम, ऐसा बोलेंगे ना, खुले आम। इधर परमेश्वर ये बिल्देपिया के जो विश्वासी है, जो बिलीवर्स है, उनके लिए कहते हैं। तो ये ऐसे आशीर्वाद है, ये जो खुले हुआ आशीर्वाद आपको चाहिए धंधे में, यानी कोई आपको रुकावट नहीं रहेंगे, आपके धंधे आशीर्वाद रहेगा, काम में भी आपको कोई बंद नहीं करेंगे, वो ऐसा काम रहेगा। बच्चों के विषय में शरीर के कमजोरी आपको बंद कर सकते हैं, जो बीमारी है वो किधर जा नहीं सकता है। तो इस साल में परमेश्वर आपको बड़े बीमारी नहीं आएगा, तो ये परमेश्वर आपको प्रॉमिस करते हैं। खुले द्वार आपके लिए रखा है, आप क्या करना चाहिए, इधर लिखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है। आप थोड़ा प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं मैं थोड़े से हैं, लेकिन थोड़े में सत्य रहना चाहिए। परमेश्वर थोड़े में किसी को आशीर्वाद नहीं करेंगे। इधर लिखा है थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी जो विषय में, छोटे छोटे विषय में आप सत्य, यानी सही प्रकार से चलते हैं, छोटे काम करते में उसमें आप सही तरह से आप रहते हैं, छोटे धंधा करते हैं उसमें आप सही तरह से धंधा करते हैं, तो ये इसका अर्थ वैसा है। थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। थोड़ा सा आप वचन पालन किया, तो पालन जो वचन आप करते हैं उसमें आप सही प्रकार का पालन किया है, तो जो इंसान सही प्रकार का पालन करते हैं उनके लिए ये वचन है, खुले द्वार। तो और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज बहुत जन में परमेश्वर का नाम को इनकार करते हैं, काम के लिए झूठ बोलते हैं, एप्लीकेशन के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो परमेश्वर का इनकार जैसा है। इधर परमेश्वर इनके बारे में लिखा, फिलिपियों के कलीसिया के बारे में कहते हैं, तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। परमेश्वर नाम को इनकार नहीं किया, स्वीकार किया। आप भी स्वीकार कीजिए, थोड़े आप प्रार्थना करते तो उसमें सच्चाई से रहिए, आधा घंटा प्रार्थना करते तो उस समय में कुछ भी काम मत कीजिए, कुछ सोचिए, ओनली प्रेयर। तो वैसे जो छोटे छोटे चीज में आप सच्चाई रहेंगे, ये वचन आपके लिए हैं, खुले द्वार आपके लिए रखे हैं, उसमें बहुत सारे आशीर्वाद हैं। और भी हम खुले द्वार देखेंगे, ऐसा का किताब 45 पहला वचन ऐसा कहते हैं,
देखो इस 45वां अध्याय में यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्तु के विषय ये कहता है। उधर हम देखा छोटी से यानी थोड़ी से काम में उनको बल था, उनमें उसने परमेश्वर का नाम इनकार नहीं किया। और उधर हम देखे लेकिन इधर लिखा है अभिषिक्त, उधर थोड़ी चीज में आप सच्चा रहेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, खुले द्वार आपके लिए है। इधर ऐसा की किताब 45 में जिसने अभिषेक पाया है, अभिषेक यहोवा अपने अभिषित कुस्तु के विषय में ये कहता है जो अभिषेक पाया है। मसीह का जिंदगी ऐसा है, अभिषेक पाना जरूरी है, अभिषेक से प्रार्थना करना जरूरी है, अन्य भाषा से प्रार्थना करना जरूरी है, हो रहा हाला खबा रिश्वा खबा ऐसा प्रार्थना करना जरूरी है। तो ये अभिषेक पाया हुआ कुस्तु के बारे में परमेश्वर कहता है मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं को कमर टीली करूं, उसके सामने फाटक को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। इधर एक फाटक परमेश्वर खोल देते हैं इस राजा के बारे में, इस राजा के सामने, क्योंकि ये राजा अभिषेक पाया है। आप भी अभिषेक पाने के लिए जरूरी है, जिधर अभिषेक का प्रेयर होता है उधर जाके आप अभिषेक पा लीजिए। आप नहीं, आपके पास अभिषेक नहीं तो जो कोई अभिषेक पा लेते हैं मसीह के जिंदगी में अभिषेक ये जो अभिषेक है ये अवश्य है। अभिषेक को किया हुआ कुस्तु के बारे में करके राजा के बारे में लिखा है, ये जो अभिषेक जरूरी है मसीह के जिंदगी में। आप नए पाए तो अपने चर्च में जाके जो जो प्रेयर चलते हैं उसमें जाके प्रेयर करके अभिषेक पा लीजिए। उसके सामने इस बड़ा आशीर्वाद है, परमेश्वर कहते हैं उनके सामने फाटक हो ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए, कोई बंद नहीं करेंगे आपके रास्ता फाटक को। तो इस कुस्तु के सामने परमेश्वर फाटक को खोल देते हैं और क्या करते हैं परमेश्वर हम देखेंगे तो आगे आगे चलूंगा फाटक खोलकर आपके आगे आगे इस साल में परमेश्वर जाना चाहिए तो अभिषेक पाना जरूरी है। और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा, बहुत सारे आशीर्वाद परमेश्वर कहते हैं। और तीसरा वचन ऐसा क्या कहता 45 तीसरा वचन ऐसा कहते हैं मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाढ़ा हुआ धन दूंगा। जो अभिषेक पाया है इस साल में परमेश्वर उनको अंतकार का छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाढ़ा हुआ धन देगा। परमेश्वर आपको धन देंगे इस नया साल में, खुले रास्ता खुले द्वार और धन देंगे। आप क्या करना चाहिए अभिषेक पाने चाहिए, अभिषेक का ब्लेसिंग आपको होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा भरपूर ही आपको होना चाहिए। ऐसा होते समय आप परमेश्वर आपको धन देंगे जिससे तू जाने कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो मुझे नाम लेकर बुलाता है। आपको परमेश्वर नाम लेकर बुलाएंगे इस साल में, आपके नाम डाल दो इसमें, कुस्तु को जगह में आपके नाम डाल दीजिए। परमेश्वर आपके सामने खुले द्वार कर रखेंगे और अंधकार का छिपा हुआ गुप्त स्थानों में खड़ा गाढ़ा हुआ धन देंगे। जो धन मिले ही नहीं सकते वो धन आपको परमेश्वर देंगे, काम में, धंधे में, पढ़ाई में, शरीर में, ऐसे आशीर्वाद परमेश्वर आपको देंगे। आप सिर्फ अभिषेक पा लीजिए और उधर लिखा है थोड़ी सी बल देगा तभी आप उसको परमेश्वर का महिमा कीजिए। और भी हम आगे देखेंगे तो यहोशू का किताब में 6वां अध्याय में पहला वचन हम देखेंगे तो इधर भी एक रास्ता उधर भी एक जगह है वो बंद है, शहर पनाहे बंद है। यरीगो के सब फाटक इसराइल के घर के बारे लगातार बंद रहे, इधर भी एक फाटक बंद है। तो इस बंद फाटक को परमेश्वर खोलने के लिए क्या कहते हैं, इसलिए यहोशू की किताब 6वां अध्याय 3रा वचन में लिखा है इसलिए तुम में जितने युद्ध है नगर को घेर ले। जो युद्ध यानी परमेश्वर के सामने जो युद्ध का सोल्जर है उसके लिए आशीर्वाद है। उधर हम देखें थोड़े भल रहेगा तभी परमेश्वर का नाम का महिमा कीजिए। और कुस्तु राजा अभिषेक पाया है, आप भी अभिषेक पाइए। इधर लिखा है सोल्जर होना चाहिए परमेश्वर के सामने, सोल्जर्स, इधर सोल्जर्स के बारे में इधर लिखा है। वो लोग इस यरीगो के शहर को
घेर लो और उस नगर को चारों ओर एक बार घूम आए। इधर एक शहर पाने आया, खोलने के लिए परमेश्वर ये कहते हैं, उस शहर को घूमने के लिए कहते हैं। बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं मिलेंगे आपको, परमेश्वर किधर जाना बोलेंगे, नहीं तो दूसरे काम ढूंढने के लिए कहेंगे, नहीं तो दूसरे धंधा करने के लिए बोलेंगे, तभी आप करना चाहिए। इन लोगों को परमेश्वर कहते हैं, उस शहर को घूमो एक दिन। यरीहो को शहर पनाह गिराने के लिए आप 7 दिन का परमेश्वर दिया है, एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा हो ही किया करना ही करना। 6 बार एक एक बार घूमना पड़ेगा और 7वां दिन और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेटों के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर को चारों और 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। इस यरीहो के शहर को 7 दिन परमेश्वर टाइम दिया। आपको भी आपका जो रुकावट है, बंदी है, उसके लिए परमेश्वर टाइम देंगे। उस दिनों में आप घूमना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग घूमा और चला और 7 दिन ऐसा किया। 7वां दिन 7 बार किया। ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। आपको कमजोरी है, ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। आपको कमी है, ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। ज़्यादा परमेश्वर के चाल चलन करना चाहिए। इधर हम देखेंगे 6वां अध्याय में, 6वां यीशु की किताब 20वां वचन में, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही चवन से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी। यरीहो को शहर पनाह गिर पड़ा है। ये लोग थोड़ा नहीं, हथौड़ी से थोड़ा नहीं, बाम से मारा नहीं, कुछ भी नहीं किया, रॉकेट भी नहीं भेजा, ओनली प्रेयर किया, जय जयकार किया, चिल्लाया। जब आपको तकलीफ है, आनंद है, घर में दरवाजा बंद करके चिल्ला के प्रेयर कीजिए, जय जयकार कीजिए, आपका रुकावट दूर होगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इधर लिखा है, उन्होंने जय जयकार किया तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उन नगर में चढ़ आए और नगर को ले लिया। शहर पनाह गिर गया। ये लोग कुछ बाम नहीं गिराया, कुछ हथौड़ी नहीं मारा, छीनी से नहीं ठोका, रॉकेट नहीं किया। अभी तो रॉकेट है, बहुत सारे चीज़ हैं, बॉम्ब्स है, उस जमाने में कुछ भी नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर का अद्भुत अद्भुत चीज़ है। इस नए साल में परमेश्वर आपको करेंगे। जय जयकार कीजिए, उत्साहित से प्रेयर कीजिए, इस शहर पनाह आपके सामने गिरेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे आपको। गुप्त का अंधकार का धन आपको मिलेगा, खुला रास्ता द्वार आपको मिलेगा। ये सब आशीर्वाद आपके लिए है। प्रकाशित वाक्य 3:8 यशायाह का किताब 45:1-3 और यहोशू का किताब 6:1-4 और 20 वर्स, ये सब पढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। खुले द्वार रखें किसके लिए? थोड़ा बल है उसमें सच्चाई जो रहते हैं, थोड़ा धंधा करते हैं उसमें सच रहेंगे, छोटा सा काम करते हैं उसमें वो लोग अच्छे काम करेंगे, उसके लिए आप आशीर्वाद रखा है। खुले द्वार, उसमें भरपूरी आशीर्वाद है। सुनने वाला पाने के लिए कृपा कीजिए। और ऐसा के किताब में जो अभिषेक पाया राजाओं के सामने आशीर्वाद है, छुपा हुआ धन मिलेगा। सुनने वाला अभिषेक पाने के लिए, जो नहीं तो पाने के लिए कृपा कीजिए। है तो हर रोज अभिषेक से प्रार्थना करने के लिए कृपा कीजिए। नया साल उनके लिए छुपे हुए धन मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे। और तीसरा देखा यहोशू का किताब में 6वां अध्याय में, शहर पनाह वो लोग बाम नहीं डाला, कुछ में डाला, शहर पनाह गिरा, वो लोग ने जय जयकार किया, प्रार्थना किया परमेश्वर। वैसा सुनने वाला करने के लिए कृपा कीजिए, आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए कृपा कीजिए। बलहीन दूर होने दो, बीमारी दूर होने दो, जो जो चर्च बांधते हैं उनको आप आशीर्वाद कीजिए, जो जो यानी पैसा को जरूरत है उनको दीजिए परमेश्वर। जय जयकार कीजिए, प्रार्थना करने दो, उनको आशीर्वाद कीजिए। धंधा काम, बच्चों को पढ़ाई, शरीर में बल, सब आशीर्वाद कीजिए, ऐसे कीजिए। बीमारी दूर होने दो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।